स्वागत है दोस्तों फिर से आप सबका मेरे चैनल में। मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में तो दिख ही लिया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाऊंगा कि आप अपना जो एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है उसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं घर बैठे ही। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते हैं ब्रांच के जरिए, पहले ब्रांच में जाके एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। आप जैसे एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको एक किट प्रोवाइड करते हैं, तो वो किट के जरिए आपका 2 से 3 दिन लग जाता है वो किट को एक्टिवेट होने के लिए। तो आपको ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा सिंपल और ईजी प्रोसीजर जिस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर मेरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको बस कुछ ही मिनट या सेकेंड्स के लिए आपको अपने बैंक में जाके जो भी बैंक के कर्मचारी जो भी काम करते हैं उनको जाके सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग आईडी है उसे कैसे उसे एक्टिवेट करके दे दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो एक्टिवेट करेंगे आपका इंटरनेट बैंकिंग आईडी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हम आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। आपको प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे टाइप करना है SBI योनो। तो यहाँ पे देखिए आपको ये SBI योनो का जो एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल करना है, ओपन पे क्लिक करना है। तो SBI योनो का और एक एप्लीकेशन है लाइट एप्लीकेशन, आपको उसे इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें वो फैसिलिटी नहीं है, तो आपको जो ऊपर वाला है SBI योनो का आपको वही इंस्टॉल करके यहाँ पे देखिए आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद देखिए आपको 3 ऑप्शन है, न्यू टू SBI एग्जिस्टिंग कस्टमर आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो यहाँ पे देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यू टू SBI मतलब अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उसके लिए है वो। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर मैं हूँ लेकिन मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ज़रिए अपना इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, लॉगिंग यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी। अगर आपके पास पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग आईडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे लॉगिन करना है। तो रजिस्टर विद माय ATM कार्ड, तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ATM कार्ड भी नहीं है तो मैं प्रोसेस बताना भूल गया। तो आपको देखिए रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल है, तो हम इस प्रोसेस से करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 3 स्टेप्स फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा पढ़ लें और नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करेंगे और अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो IFC कोड है आपके ब्रांच का, वो अकाउंट के जरिए आपका IFC कोड डायरेक्टली यहाँ पे ले लेगा और बता देगा कि आपका कौन सा ब्रांच है। तो आप इस तरीके से अपना ब्रांच जो भी ब्रांच कोड यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी अकाउंट नंबर आप वहाँ पर दिए रहते हैं उसी अकाउंट पर ये डायरेक्टली रिट्रीव कर लेगा। आपको वो OTP यहाँ पर प्रोवाइड करना है। OTP प्रोवाइड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे सबमिट का जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका CIF नंबर जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल रहता है वो यहाँ पे आ जा रहा है, आपका अकाउंट नेम यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 मेन चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है, व्यू ट्रांजैक्शन राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिमिटेड है, फुल है, आपको एक फुल ट्रांजैक्शन राइट्स पे क्लिक करना है। मेरी सलाह आपको फुल पे करें क्योंकि आप बहुत सारे फैसिलिटी इसके जरिए कर सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे सबमिट पे तो यहाँ पे देखिए आपको एक यूज़र नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो यूज़र नेम यहाँ पर आप डालेंगे वो आपका परमानेंट यूज़र नेम रहेगा। आप इसी के ज़रिए आपको इंटरनेट बैंकिंग में SBI में SBI यूनो लाइट में और नहीं तो SBI सिक्योर OTP में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और जो SBI का साइट है उसके आप उसके उसमें आप लॉगिन हो सकते हैं इसी यूज़र नेम के ज़रिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें जो अब भी आप यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे वो परमानेंट रहेगा। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे टेम्प्रेरी पासवर्ड डालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 टेम्प्रेरी पासवर्ड डालना है, मतलब दोनों सेम रहेगा लेकिन आपको एक एंटर पासवर्ड जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं और फिर कन्फर्मेशन के लिए और एक बार आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप नीचे देख लें कि आपको यूज़र नेम कैसे कैसे रखना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 कैरेक्टर्स मिनिमम 20 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है, आपको परमानेंट यूज़र नेम डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको परमानेंट यूज़र नेम डालना है, तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना परमानेंट यूज़र नेम। टेम्प्रेरी पासवर्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पे मैं री एंटर कर रहा हूँ पासवर्ड, उसी पासवर्ड को फिर से डाल रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए। डालने के बाद बस आपको नीचे यहाँ पे देखिए कन्फर्म का ऑप्शन है, आप बस यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका रेफरेंस नंबर है यहाँ पे देख पा रहे हैं EWZP3S, तो आपको अपने ब्रांच में विजिट करना है। अब जैसे ब्रांच में विजिट करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर मतलब जो भी यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया गया है आपको ये रेफरेंस नंबर लेके जाना है। अब जैसे उनको ये रेफरेंस नंबर देंगे तो वो आपका इंटरनेट बैंकिंग आईडी एक्टिवेट करके दे देंगे। तो फिर आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही आप बैंक जाएंगे, बैंक से वापस आते हैं अपना इंटरनेट बैंकिंग आईडी रजिस्टर करने के बाद, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप जैसे ही ब्रांच में विजिट करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताया कि आपको जैसे ही रेफरेंस नंबर आप ब्रांच जो भी कर्मचारी हैं उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको एक एक्टिवेशन कोड भेजेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो ये एक्टिवेशन कोड का जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल पे देख पा रहे हैं, तो आपको फिर से अपने योनो जो योनो का मोबाइल एप्लीकेशन है आपको उसमें जाना है। तो चलिए हम चले जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद कि आपको यहाँ पे यू ओनली नीड वन का जो योनो SBI एप्लीकेशन है आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जब मैं पहले यहाँ पे लॉगिन हो रहा था तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब मेरे पास ATM कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर पे दबा के मैं जैसे ही अकाउंट नंबर डाला तो मेरा पूरा डिटेल्स हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जब ब्रांच विजिट करके आएंगे तो आपको जो कोड दिया गया है आपको देखिए यहाँ पे आई हैव एक्टिवेशन कोड पे यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है ताकि आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव हो, जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो एक्टिवेशन कोड आया था। तो चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई हैव एक्टिवेशन कोड। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग पहले भी बता चुका हूँ 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है एक्टिवेशन कोड, यूज़र आईडी आपको वहाँ पे बताना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे एंटर योर इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आपको देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो याद रखिए जो आपका यूज़र नेम जो फर्स्ट टाइम आप दिए थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये परमानेंट यूज़र नेम है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपको डालना है। और यहाँ पे एक टेम्प्रेरी पासवर्ड डालना है, मतलब जो भी आप टेम्प्रेरी पासवर्ड पहले प्रोवाइड कर चुके हैं आपको वही डालना है। तो यहाँ पे चलिए मैं टेम्प्रेरी पासवर्ड, यूज़र नेम और टेम्प्रेरी पासवर्ड डाल देता हूँ। यूज़र नेम और टेम्प्रेरी पासवर्ड डालने के बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्टिवेशन कोड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको ब्रांच के जरिए एक एक्टिवेशन कोड आपको प्रोवाइड किया गया होगा, तो आपको उस एक्टिवेशन कोड को यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख चुके हैं मैं यहाँ पे अपना एक्टिवेशन कोड डाल चुका हूँ। एक्टिवेशन कोड डालने के बाद देखिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका नेट बैंकिंग का जो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है, तो आपको देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गो टू यूनो होम। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे गो टू यूनो होम में, तो आपको अपना जो भी टेम्प्रेरी पासवर्ड है उसे रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा आप एक टेम्प्रेरी पासवर्ड डाले थे, तो आपको यहाँ पे परमानेंट एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और आपको लॉगिन होने के लिए पर्सनल पासवर्ड आपका। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं री एंटर कर रहा हूँ पासवर्ड को। री एंटर करने के बाद देखिए आपको चेंज पासवर्ड पे नीचे क्लिक करना है। अब जैसे चेंज पासवर्ड पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 6 डिजिट एक MPIN सेट करना होगा। जैसे कि आपको पता होगा आप अपना पासवर्ड है बार बार डाल नहीं पाएंगे, तो आपको यहाँ पे MPIN सेट करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है सेट MPIN पे। सेट MPIN पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक 6 डिजिट पिन पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपको जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लोड हो रहा है। तो
यहाँ पे देखिए आपको एक पिन सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एम पिन। तो पहले आपको सेम पिन डालना है 6 डिजिट का, उसके बाद आपको री एंटर करना है उसी पिन को कंफर्मेशन के लिए कि दोनों पिन सेम है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कंफर्म करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को डालना है यहाँ पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉग इन हो रहे हैं यहाँ पे यूनो एसबीआई के एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन, जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूँ। तो आप इस तरीके से अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूँ अपने एम पिन से। तो देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी का ऑप्शन है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं एम पिन से करता हूँ यहाँ पे। एम पिन से करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरा इंटरनेट बैंकिंग आईडी का यहाँ पे लॉग इन पेज, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं होम पेज, ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से इजीली से इजी मेथड से बिना एटीएम कार्ड के भी अपना जो इंटरनेट बैंकिंग आईडी या रजिस्ट्रेशन है आप कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के, और उसके बाद आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होम पेज में आने के बाद आपको एक और चीज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, देखिए यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्ट में, और जैसे सर्विसेज रिक्वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं एटीएम और डेबिट कार्ड या प्रोफाइल सेटिंग्स या सेटिंग्स, आप जैसे भी किसी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड और रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है वो तो आप पहले से ही बना चुके हैं, जो रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड है आपको इसको भी सेट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब कब आपको ये प्रॉब्लम करेगा आपको ये एप्लीकेशन। तो जैसे कि आपको पता, देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन पे हूँ, अब मान लीजिए मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्ट में जाता हूँ सेटिंग्स में, अगर मान लीजिए मुझे एटीएम और डेबिट कार्ड का कुछ डिटेल चेक करना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपको प्रोफाइल पासवर्ड बोलेगा सेट करने के लिए। तो मतलब जो भी आप मतलब अगर एसबीआई में कुछ पर्सनल अपना जैसे डेबिट कार्ड से रिलेटेड हुआ, प्रोफाइल से रिलेटेड हुआ कुछ एडिट कर रहे हैं और बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो आपको ये प्रोफाइल पासवर्ड डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एसबीआई में 2 पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, एक मेन पासवर्ड लॉगिन होने के लिए और एक प्रोफाइल पासवर्ड। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट कर लें, उसके बाद ही अपना जो भी ट्रांजैक्शन है आप कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी चीज़ आप करने जाएंगे सेटिंग्स चेंज करने जाएंगे तो आपको बार बार ये पूछेगा ये चीज़। तो यहाँ पे आपको पहले आपको ये आके सेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ आप सेटिंग्स यहाँ पे हाँ सर्विसेज रिक्वेस्ट में जाइए, सेटिंग्स में भी जाके कर सकते हैं, नॉमिनी ये सब किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो एटीएम डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए मैं प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ, तो कंफर्मेशन के लिए और एक पासवर्ड डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पासवर्ड में 8 कैरेक्टर्स रहना चाहिए मिनिमम, अपर केस लोअर केस रहना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं डालने के बाद देखिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, डालने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो यहाँ पे एक दो सिक्योरिटी क्वेश्चन का हिंट देना पड़ेगा, सॉरी एक का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी आप एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना एक फर्स्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो भी हिंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। देने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है बैंक से वो डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली सेट योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए जब भी आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बैक करके फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं एटीएम और डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो पहले सेट करने का ऑप्शन आता था, तो अब ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाया कि अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट हो गया, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना यहाँ पे जो भी डेबिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या फैसिलिटी सर्विसेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो पहले आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है। आप जैसे ये चीज़ कर लें तो आपका इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है, आप इसे नॉर्मली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एसबीआई यूनो लाइट में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मेन पासवर्ड है उससे आप हर एक काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप अपने एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही करें, बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, बस एक ही बार आपको ब्रांच विजिट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ उसमें भी जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।